ओके फ्रेंड्स, तो आज और एक टेक्निकल व्यू हम दे रहे हैं वेल्डेड ऑर्गेनिक्स के ऊपर। काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बायोन स्टॉक है ये। काफ़ी रेयरली कोई वेल्डेड ऑर्गेनिक्स के बारे में बात करता है, बट इसका टेक्निकल चार्ट्स काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके, सो टेक्निकल चार्ट्स काफ़ी सिंपल है। सेम पैरामीटर्स हम लोग यूज़ कर रहे थे जो काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहे हैं, लाइक MACD, RSI, सिंपल डे मूविंग एवरेज में 21 डेज है, 10 डेज है, वॉल्यूम है, सुपर ट्रेंड है, पैरामिक चार्ट। सो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ये क्रॉस ओवर हुआ है, उसके बाद प्राइस ऊपर गए वापस, ये एक नज़दीक आया था लेवल्स, अगेन क्रॉस ओवर के नज़दीक आया था, अगेन फिर वापस ऊपर गए, वापस ऊपर गए, यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, उसके बाद ब्रेकआउट भी दे दिया है। तो ये सिर्फ का टारगेट तो 99.99% अचीव होगा। वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हैं, सिर्फ RSI थोड़ा ओवरबॉट है, MACD काफ़ी अच्छा है, तो RSI थोड़ा कॉन्सोलिडेट करेगा, फिर ऊपर की तरफ वापस मूव चालू करेगा। तो मेरे हिसाब से डेली चार्ट्स पे ये बाय है, 3,400 से 3,600 के बीच में स्टॉप लॉस 3,200 का रखें, टारगेट 4,200 का, टाइम फ्रेम है 31 दिसंबर तक का। ये एक वीकली चार्ट है जिसमें सेम पैरामीटर्स है, MACD, RSI, और वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे थे। ये पोल है और ये फ्लैग है, फ्लैग एंड पोल ब्रेकआउट है। ये एक क्रॉस ओवर था जिसके बाद प्राइसेस नीचे आए हैं, ये क्रॉस ओवर था जिसके बाद प्राइसेस ऊपर गए हैं। तो ये क्रॉस ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, उसके बाद प्राइसेस देखो कैसे शूट हो रहे हैं। और इसमें एक ही दिक्कत है, लाइक RSI काफ़ी ओवर बॉट है, सो थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, उसके बाद इसके वापस ऊपर की तरफ जा सकता है, बट जैसे ही ब्रेकआउट दे चुका है क्लोजिंग बेसिस पे, तो ये किफ 199% ये टारगेट अचीव करेगा। और ये जो डिस्कशंस हमने चार्ट्स के ऊपर किए हैं वो टेक्निकल व्यू दिया है, बट इसमें एक और चीज़ मैंने ऐड की, क्योंकि मुझे शॉर्ट टर्म के लिए सिप्ला काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो सिप्ला हमने डाला है यहाँ पे, लाइक सिप्ला लुक्स वेरी नाइस ऑन द चार्ट्स, काफ़ी अच्छा लग रहा है चार्ट्स के ऊपर। तो ये अगर 825 से 830 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो 900 लेवल्स तक आराम से जा सकता है। तो ये सिप्ला पे हो गया, और वेलियंट ऑर्गेनिक्स के ऊपर मिनिमम टारगेट्स 5,000 का है। ओके फ्रेंड्स, तो होप ये वीडियो आपको पसंद आए। एक डिस्क्लेमर है जो मैं हर एक वीडियो के बाद रखता हूँ, मेरा पर्सनल व्यू है, और हर एक निवेशक को निवेश करने से पहले अपना इंडिपेंडेंट रिसर्च या जांच करनी चाहिए, उसके बाद ही निवेश करना चाहिए। मैं सिर्फ मेरा ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, कोई भी गारंटी नहीं गेंस का लॉसेस का आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, होप ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर आपके कोई कमेंट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, एंड स्लोली स्लोली अगर इवन कुछ आप स्टॉक स्पेसिफिक कुछ चाहते हो या कोई दूसरे सब्जेक्ट पे डिस्कशन चाहते हो तो आप डाल सकते हो, हम यानी वी कैन वर्क ओवर इट, और उसके ऊपर भी हम लोग कुछ वीडियोस डाल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।